अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें इन्होंने ये राइडिंग के लिए चेंज कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास विजिट्स आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे। आप डायरेक्टली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेफ्टी लाइट्स ऑन ऑफ, मोड साउंड ऑन ऑफ, वाईफाई ऑन ऑफ और डार्क मोड, ये वो फीचर्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर। साथ ही साथ आप ब्राइटनेस को भी इससे कंट्रोल यहीं पर कर सकते हैं। अब सेटिंग में जाने के लिए हमें यहाँ की जगह हम इस पर अगर करेंगे तो भी हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो ये है हमारी कंडीशन जो अभी इन्होंने इसमें ऐड करी है। तो अगर हेल्प की बात करेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट सेंटर है, यहाँ पर आपको अबाउट में सारी चीज़ें दिखा देगा गाड़ी की। यहीं से अब आप रिबूट भी कर सकते हैं अपनी स्कूटर को, जो अभी तक हम लोग करते थे फिजिकल कीज से, बट अब इसको हम सिस्टम से भी रिबूट कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा MovOS 4 बीटा 4 का अपडेट आ चुका है। एक्सेस कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जियो फेंसिंग, टाइम फेरेंस, स्पोर्ट्स मोड सब ऑन है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ये है आपका टेम्पर डिटेक्शन जो वापस मुझे ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद है फॉल डिटेक्शन, अगर गाड़ी गिरती है तो गिरते ही गाड़ी को ऑफ हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करेंगे सेम एज वेल। वेकेशन मोड, नेविगेशन में हम इस वापस चूज़ करेंगे ओला मैप। राइडिंग में हमारे पास वही चार ऑप्शन हैं, ऑफ रीजन, लो रीजन, डिफ़ॉल्ट रीजन और हाई रीजन। हिल होल्ड असिस्ट इसमें आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगी। तो अब हिल होल्ड कैसे होगा ये भी इसमें दिखाया गया है। इसमें आपको होल्ड करना है और स्लोप करना है प्रेस आइदर ब्रेक को, और उसके बाद इसको हम रिलीज कर देंगे। अब इससे आप देखेंगे बिना ब्रेक लगाए भी हमारी गाड़ी रुकी रहेगी बिकॉज हिल होल्ड एक्टिवेट हो चुका है, और जैसे ही इसमें आप ब्रेक रीप्रेस करेंगे तो ये आपका हिल होल्ड रिवर्स हो जाएगा। इसको आपको 3 सेकंड के लिए रखना है होल्ड पर, इससे वापस वो हिल होल्ड असिस्ट पर आ जाएगी। उसके बाद अगर हम लाइटिंग की बात करेंगे तो लाइटिंग में सेफ्टी लाइट्स आप और यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। टेक मी होम लाइट आप कर सकते हैं, हेलो लैंप है और ऑटो टर्न ऑफ है। साउंड की हम बात करेंगे, साउंड में सिस्टम साउंड है, मूड का साउंड है, होस्ट कॉन्सर्ट, जॉइंट कॉन्सर्ट में है। वाईफाई की हम बात करेंगे तो अभी वाईफाई हमने ऑफ कर रखा है। ब्लूटूथ हमारा कनेक्टेड है हमारे फ़ोन से, और यहाँ पे फेवरेट के लिए अभी इसलिए नहीं क्योंकि आईफोन में ये सपोर्टेड नहीं है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्ले में आपके सामने ये मौजूद है। तो यहाँ पे अब हम इधर से आ जाते हैं तो यहाँ पे हमको राइडिंग का हमारा स्टेटस दिखा देगा कि हमारी टोटल राइडिंग कितनी है और हमारे व्हीकल का स्टेटस क्या है। तो ये फीचर्स हैं जो अब इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं जो सेटिंग का यहाँ पर आता था। तो दीज आर दी चेंजेस। अभी मोटर का टेम्परेचर 27 है और बैटरी का टेम्परेचर 26 है जो अभी सेफ मोड में है। इको मोड में भी हमारी गाड़ी 72, नॉर्मल में 55 और स्पोर्ट्स में 53 चलेगी। और अगर हम आज का स्टेटस निकालें तो 11,205 किलोमीटर अब तक चल चुकी है। एवरेज स्पीड जो अभी तक हम मोबाइल में देखते थे वो 26 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड आज की हमारी 65 की रही है और रीजन हमारा 0 रहा है। तो दीज आर दी मेजर चेंजेस विच अपडेट इन दी न्यू बीटा 4 अपडेट। और यहाँ पर हमारे पास फाइंड हाइपर चार्जिंग स्टेशन का भी मोड आ जाता है कि आप यहीं से देख सकते हैं आपके नियरेस्ट कौन सा हाइपर चार्जिंग स्टेशन मौजूद है, क्योंकि अभी यूपी में इनका कोई भी हाइपर चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है। तो अभी हमारे पास जो सर्विस सेंटर वाले ऑप्शन हैं हम सिर्फ उन्हीं को चूज़ कर सकते हैं। एक हमारा ये कानपुर में ही जो हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बाकी लखनऊ में 2 हैं और भी अदर आपके यूपी के स्टेट्स में सिटीज़ में मौजूद हैं। और ये हमारा वापस डैशबोर्ड, यहाँ पे अगर हम विजिट्स देखें तो क्या विजिट्स में चेंजमेंट आया है। तो विजिट्स में हम चेंजमेंट देखेंगे तो ये हमारा ट्रिप मीटर जो अभी के ट्रिप को बताता है, ये टोटल ट्रिप जो हमारी अब तक की है, इसको रीसेट करने के लिए हमें डबल टैप करना और ये हमारी रीसेट हो जाएगी। वापस इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये टॉर्क बताएगा, ये पावर कंजप्शन बताएगा, ये CO2 का वाइडेशन बताएगा
और ये टोटल सेविंग बताएगी। जो अब तक हमें सेविंग लगभग 26,220 रुपए की हो चुकी है। और ऐसे इसके भी विजिट हम इधर भी चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा हमें इधर भी, और इसको भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं लाइक दिस। सेम विजिट आपके इधर ही मौजूद हैं, जो आप उधर से हटाएंगे उसको आप इधर भी लगा सकते हैं। तो ये है मोवो OS 4 बीटा 4 का अपडेट। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजबल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।